बिजली की शॉर्ट सर्किट से पाइप पंडाल के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। इलागाय थाना क्षेत्र के गनौरा मटही गांव में पाइप पंडाल के गोदाम में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अगमलाल पटेल पुत्र परमानंद पटेल प्रकाश डीजे व रोड लाइट तथा पाइप पंडाल सहित रजाई गद्दा के कारोबारी हैं। रविवार दोपहर अचानक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों का हो हल्ला सुनकर भारी संख्या में लोग मौजूद घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े तथा आग बुझाने में जुट गए। पीड़ित के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक गोदाम में रखी कीमती सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित अगमलाल ने बताया कि आग लगने से लगभग 5 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसमें डीजे की मशीन, बॉक्स तथा टेंट का समूचा सामान शामिल है। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। लगभग 5 लाख क्या जला है? पूरा टेंट का पूरी व्यवस्था था, डीजे की मशीन और बाक्स। तो ये बताइए, ये जो फायर ब्रिगेड आया है, इसे सूचना आप दे बुलाए हैं? जी। आग की जानकारी आपको कैसे हुई? आग क्या है, जब मकान में जब आवाज तड़कने की आई बिल्डिंग से जी, तब हम लोग वहाँ जाके देखे तो आग जल रही थी जी। अच्छा, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया? हाँ जी जी। तो मौके पर फायर ब्रिगेड पहुँची ना? हाँ, मौके पर फायर ब्रिगेड पहुँची जी। कितने का नुकसान लगभग हुआ होगा? लगभग 5-5 लाख रुपये।